हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे गम कॉन्टूरिंग के बारे में। गम कॉन्टूरिंग ये क्या होता है और ये कौन से पेशेंट्स को ज़रूरत होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि गम कॉन्टूरिंग करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। वेल, गम कॉन्टूरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्माइल मेकओवर। अगर आपको ऐसा है कि जब आप स्माइल करते हो तब दांत तो दिखते ही है पर गम्स जो दिखने चाहिए उससे ज़्यादा दिखते हैं, तो वैसे पेशेंट्स को गम कॉन्टूरिंग करवाना पड़ता है। जिसकी स्माइल लाइन में गम्स ज़्यादा दिखते हैं उनको गमी स्माइल बोलते हैं। गमी स्माइल इसीलिए इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है बिकॉज हम लोग जब स्माइल करते हैं तब अपने दांत अच्छे और अट्रैक्टिव और प्रोपोर्शन में दिखने चाहिए। बट अगर किसी की गम्स ज़्यादा दिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया वो गमी स्माइल होती है, तो वो प्रोपोर्शन कुछ अच्छा मैच नहीं होता है फेस पे, और आपकी गमी स्माइल अगर होती है तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो अगर आपको गमी स्माइल है तो हम लोग गम कॉन्टूरिंग या गम लिफ्टिंग या गम रीशेपिंग करते हैं। अभी ये कैसे करते हैं ये मैं उसकी पूरी प्रोसीजर बताऊंगी। प्रोसीजर में ऐसा होता है कि अगर आपको गमी स्माइल है तो डॉक्टर आपको पहले प्री कंसल्टेशन करेंगे। आपको भी आपकी कोई प्रायोरिटीज़ है तो आप डॉक्टर को डिस्कस कर सकते हो। आपको प्री कंसल्टेशन में डॉक्टर पूरी प्रोसीजर समझाएंगे बिकॉज गम कॉन्टूरिंग हर एक पेशेंट के लिए अलग होता है और ज़रूरी नहीं कि हर एक दांत पे ही हो। अगर आपकी ओवरऑल गमी स्माइल है तो हम लोग दांत सारे जो आगे दिखने वाले दांत हैं उसमें हम लोग गम लिफ्टिंग कर सकते हैं। पर अगर कोई पर्टिकुलर दांत में अनइवन स्माइल है, जैसे कि एक दांत पे गम का प्रोपोर्शन बराबर है पर दूसरे दांत पे गम का प्रोपोर्शन कम है या ज़्यादा है, तो उसको अगर अनइवन गम लाइन है तो हम लोग कोई पर्टिकुलर दांत पे भी गम लिफ्टिंग कर सकते हैं। कई बार ये पेशेंट्स को होता है जब आड़े तिरछे दांत होते हैं तो कई दांत में गम्स नीचे होते हैं और कई दांत में गम्स ऊपर होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग को सिलेक्टिव गम लिफ्टिंग करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो पहले, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर आपको प्री कंसल्टेशन करेंगे। इसमें प्रोसीजर में ऐसा होता है कि आपको रूटीनली जो दांत का गम शेपिंग करना है वहाँ पे एक लोकल एनेस्थीशिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीशिया देने के बाद हम लोग आपका जो डिज़ायर्ड गम है उसको लिफ्टिंग के लिए हम लोग पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोकॉटरी है, लेज़र्स है, या फिर सर्जिकल गम लिफ्टिंग करते हैं। यूजुअली विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग सिर्फ लेज़र्स ही यूज़ करते हैं, और वो लेज़र्स से फाइनल आपका आउटकम कैसा आएगा वो भी हम लोग आपको डिजिटली प्लान करके दिखा सकते हैं। आपका पहले हम एक स्कैनिंग करते हैं विद द डिजिटल स्कैनर्स। स्कैनिंग करने के बाद आपका जो अभी स्माइल है उसमें फाइनल कैसा दिखेगा वो आपको क्रिएट करके दिखा सकते हैं। फिर उसमें हम लोग एक टेम्पलेट भी बना सकते हैं जिसमें टेम्पलेट से हम लोग एग्जैक्टली आपका गम कॉन्टूरिंग कर सकते हैं, जिससे आजकल विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी गेट द प्रिसाइज रिजल्ट्स। लोकल एनेस्थीशिया देने के बाद हम लोग आपका गम शेपिंग यूजुअली, जैसे मैंने बताया, लेज़र से करते हैं। ये लेज़र से जो हम लोग करते हैं वो बिल्कुल भी पेनलेस होता है और पोस्ट ऑपरेटिवली डिस्कम्फर्ट भी मिनिमल होता है। यूजुअली हम लोग पेशेंट्स को पेन किलर्स भी नहीं देते बिकॉज ये टोटली पेनलेस होता है। हम लोग एक लोकल एप्लीकेशन जेल देते हैं टू ईज द डिस्कम्फर्ट। थोड़ा सा जैसे कुछ हमारे कोई पार्ट पे कट आया हो वैसे हल्का सा ऐसा बर्निंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट इसके अलावा आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें कोई मेजर स्वेलिंग या ऐसा कुछ यूजुअली नहीं आता है। आपको ये गम्स कॉन्टूरिंग करवाने के बाद थोड़े दिन हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप हॉट स्पाइसी फूड ना खाएं और सॉफ्ट डाइट एडवाइस करते हैं, जिससे आपका पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट बिल्कुल मिनिमल रहे। ये जो रिजल्ट्स अचीव होते हैं वो यूजुअली लाइफ टाइम होते हैं। ये गम कंटूरिंग के बाद हम लोग यूजुअली एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये स्माइलों को एनहेंस करने के लिए करते हैं, तो हम लोग गम रीकंटूरिंग के बाद पेशेंट को विनियर्स, कैप्स, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं ताकि वो गम कंटूर जो हमने किया है वो उसी पोजिशन में रहे और वो यूजुअली वेरी ना करे विथ टाइम। सो इसके बाद मेंटेनेंस फेज आता है। मेंटेनेंस फेज में अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके गम्स हेल्दी रहेंगे। आपको रूटीन जो सारी चीज़ें फॉलो करनी है वो रेगुलरली फॉलो करनी है। आपको ट्वाइस अ डे ब्रशिंग करना है, फ्लॉसिंग रेगुलरली करना है। फ्लॉसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गम्स। अगर आप फ्लॉसिंग करोगे तो गम्स हेल्दी रहेंगे। उसमें जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, जैसे कि गम डिजीज़ बोलते हैं, वो यूजुअली आपका क्रिएट नहीं होगा। अगर गम डिजीज़ डेवलप हो गया तो डिजायर्ड रिजल्ट जो हमने अचीव किया है वो बिगड़ सकता है। सो आपको रेगुलरली ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश, ये सारी चीज़ें करनी है। आपको ट्वाइस अ डे ब्रशिंग तो करनी ही है और ट्वाइस अ ईयर आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका चेकअप करवाना है और रेगुलर क्लीनिंग करनी है।
अगर आपको कुछ भी आपकी गमी स्माइल में चेंजेस लगते हैं तो कंसल्ट योर डॉक्टर, तो इमीडिएटली ही वो आपका गमी स्माइल विद इन फ्यू मिनट्स ही ठीक कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट अ पॉइंट कि आपको कब गम कंटूरिंग की ज़रूरत है। सो आज ही आपके नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए, यू फाइंड अ गुड क्वालिफाइड गम सर्जन जो आपका ये रिजल्ट इफेक्टिवली अचीव करवा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है तो आप हमें ज़रूर अप्रोच कर सकते हो, आप हमें वॉइस कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हो अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।